तो प्यारे साथियों, आज हम लोग इस करंट अफेयर की क्लास में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2024 जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया। तो इस पर आप लोग ऑप्शन है, अगर हम बात करें आप लोगों का है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। तो इसका राइट आंसर मुझे बताइए फटाफट से, क्या राइट आंसर होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो है आप लोगों का 11 जनवरी। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? मानव तस्करी का मतलब होता है इंसानों को बेचना, छोटी बच्चियां, लड़के या फिर बच्चों को या फिर बड़े लोगों को भी एक दूसरे के हवाले करना, मनुष्य को इलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में भेजना या दूसरे राज्य में भेजना, यह है मानव तस्करी। और मानव तस्करी की पीड़ितों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं? इसी दिन 9 जनवरी 1915 को कौन आए थे? आप लोगों के गांधी जी आए थे। और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। और हिंदी डे में अगर हम देखें तो वर्ल्ड हिंदी डे क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, जो पहली बार कब मनाया गया था? 1975 में नागपुर में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किसने करने की घोषणा किसने करी है? किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना जो है वो स्टार्ट करी है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो आप लोग मुझे बताएंगे ये करी है कौन से राज्य ने? ऑप्शन नंबर ए, वो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना करी है, जिसके तहत क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग जो भी कहां जाएंगे, अयोध्या जाने के इच्छुक हैं तो अयोध्या जा सकते हैं, और वो भी क्या, राम मंदिर दर्शन के लिए, और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। क्या? बिल्कुल फ्री भेजा जाएगा राम लल्ला दर्शन योजना के तहत। बात क्लियर होगी सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता देंगे, क्लियर है? चलिए, एक आप लोग लिखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार का एक अभियान लिखेंगे, स्वच्छता ही सेवा अभियान किसका है? यह भी आप लोगों का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। यह भी प्यारे बच्चों आप लोग जो है वो नोट करेंगे। और हमर बेटी हमर मान, यह भी आप लोग नोट करेंगे, यह किसका है? हमर बेटी हमर मान, यह भी किसका है? यह भी छत्तीसगढ़ राज्य का है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन बने अभी? और विधानसभा सीटें बताइए फटाफट से कितनी है सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी। और छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ के बताइए मुझे, सीएम बताइए फटाफट से, विधानसभा सीटें बताइए फटाफट से। इसके साथ छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर किस चीज में? तो वो है पहले नंबर पर है कोयला प्रोडक्शन में, कोल प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है, ठीक है। और आप लोग लिखेंगे भिलाई स्टील पावर प्लांट है, भिलाई, ये भी कहां पर है आप लोगों का? छत्तीसगढ़ में। किसने लगाया था? ये रूस की मदद से लगा था, रशियन सोवियत संघ की मदद से इसको जो है वो लगाया गया था। और विष्णुदेव का वहां के क्या है? चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव सहाय आप लोग रखेंगे। और सीटें हैं 90 सीटें। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत जल्दी बताइए फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? याद हो गया। और छत्तीसगढ़ कब बना था ये भी मुझे बता दो जल्दी से। छत्तीसगढ़ बना था सन 2000 में बना था, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, इसके पूरा डेटा आप लोगों को रिसर्च अभी बताएंगे कौन पहले नंबर पर रहा है, 2023 का अवार्ड किसे मिला है और पहले स्टेट में कौन सा रहा है। तो अगर हम देखें तो पहले नंबर पर कौन रहा है इसमें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा में। तो पहले नंबर का किसको मिला है पहले नंबर का? वो है आपका फर्स्ट पोजीशन कौन है? महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। तो महाराष्ट्र सबसे क्लीनिएस्ट स्टेट है ऑफ द इंडिया का, पहली पोजीशन पर यह है, इसकी आप लोग डेटा लिख लीजिएगा। दूसरे पर आपका एमपी है और तीसरे पर जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को छत्तीसगढ़ है। यानी 3 टॉप मोस्ट राज्य है जो क्लीनिस्ट राज्य का इन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 मिला गया, पहला महाराष्ट्र, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़ का। और सबसे
क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, सबसे क्लीनेस्ट क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है भाई साहब, तो वो है आप लोगों की सूरत, और दूसरा कौन सा है, सूरत के साथ वो सॉरी इंदौर और सूरत, इंदौर और सूरत को ये जो है आप लोगों के लिए अवार्ड मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे गंगा किनारे बसे शहर, गंगा के किनारे बसे सबसे स्वच्छ सिटी कौन से है, तो वो लिख लेंगे आप लोग प्रयागराज, फटाफट से लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे प्रयागराज और आप लोगों का वाराणसी, ठीक है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कल मध्य प्रदेश का पेपर है, हालांकि आएगा नहीं फिर भी बता देता हूं, मध्य प्रदेश में मऊ छावनी को कंटेनमेंट बोर्ड जिसे बोलते हैं सबसे क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड जो है वो घोषित किया गया, यानी छावनी, तो मऊ एमपी, एमपी का मऊ, और यहां पे लिख लेंगे छावनी का बेस्ट कंटेनमेंट जो है उसको अवार्ड जो है वो मिला है। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बता दो मुझे किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज सारे बच्चे, ठीक है। और ये इंदौर में लगातार, इंदौर आपको पता है पिछले साल छठी बार था, और इंदौर टॉप रैंक पर आया है लगातार, कितनी रैंक पर, सातवीं बार पहले नंबर पर आया, सेवेंथ टाइम्स, ये भी आंकड़े आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। महाराष्ट्र में लेक बताइए कौन सी है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। महाराष्ट्र में झील बताइए कौन सी भाई, महाराष्ट्र में है आपकी कौन सी झील है बताइए, लोनार लेक, लोनार। छत्तीसगढ़ में कौन सी है, चिल्का लेक। और मध्य प्रदेश में कौन सी है, साख्य सागर, और साख्य सागर ये वेटलैंड भी है, वेटलैंड। और एक है भोज लेक, भोज लेक ये कहां पर है, भोपाल में, ठीक है। रिवाइज हो गया, क्लियर है। और महाराष्ट्र में एक और लिख लेना आप लोग, सलीम अली लेक, सलीम अली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। तो महाराष्ट्र में एक झील लिख लेना लेक, उसका नाम है सलीम अली, सलीम अली लेक, ये काफी बार क्वेश्चन में आ चुकी है। और लोनार कैसी है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी एस्ट्रोनॉट मुझसे हुआ है, कॉमेट्स धूमकेतु गिरने से। आगे बढ़े भाई, क्लियर हो गया, क्लियर है। और इसकी स्वच्छता सर्वेक्षण की थीम और लिख लेंगे भाई, ये थीम आ सकती है आप लोगों को, ये थीम आ सकती है आप लोगों को, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर। चलिए लिख लिया सभी ने, ये दोबारा रिवाइज करो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। वो बिहार मेंस में भी भूटान से लगने वाले राज्यों की सीमा पूछ ली थी, मेंस में, बिहार मेंस में, ठीक है। तो भूटान का प्रधानमंत्री कौन बने, रानिल विक्रम सिंधे नहीं, ये किसके हैं भाई, ये तो श्रीलंका के बताए थे ना मैंने आप लोगों को, श्रीलंका के। रिवाइज करो 20 देशों के नाम, शेख हसीना जुल्फो वाली, और ये कहां की है, बांग्लादेश की, पांचवी बार बनी है पीएम, कहां की, बांग्लादेश, ठीक है। पुष्प कमल दहल, ये भाई नेपाल के, ठीक है। और ये शेरिंग टोमेंगे, शेरिंग टोमेंगे, ये भाई राइट आंसर हो जाएगा, ये बने आपके भूटान के। अब भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, और इसकी मुद्रा क्या है, नगुस्ट्रलम, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, सारे के सारे। अब एक बार भूटान का मैप मैंने लगाया, भूटान को एक बार देखेंगे हम लोग फटाफट से, ठीक है। तो ये बीच में दिख रहा है देश आप लोगों को भूटान, ठीक है। भूटान से लगने वाले राज्य हम लोग देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, 600 कुछ किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करता है। तो ये बीच में प्यारा सा देश है, एक छोटा शांति प्रिय देश ये है भूटान का, ठीक है। और भूटान से कौन कौन से देश बॉर्डर बना रहे हैं, तो इसको मैं लाल रंग से हेडलाइट कर देता हूं। ये तो अपना छोटा सा है सिक्किम, सिक्किम हो गया, नीचे आपका भूटान से ऊपर जाएंगे आप लोग, ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहां पर सिक्किम को ऐसे लिख दे रहा हूं, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और फिर आपका हो गया कौन सा, असम, असम को ऐसे, ये असम है, और यहां पर हो गया एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो चार राज्यों से बॉर्डर बना रहा है भूटान, ठीक है भैया, ये आप लोग याद रख लेना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओ अरुणाचल, असम, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, याद हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आगे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, एक बार जरा फटाफट से 20 देशों के जो राष्ट्रपति है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ आप लोग सारे सारे बच्चे बोलेंगे यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है,
कमला हैरिस। फ्रांस के कौन है? एमिलियो मैंक्रो। कहां पर आ रहे हैं? 26 जनवरी को। क्या करने आप ना क्या करने आ रहे हैं? इंडिया गेट देखने आ रहे हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। जापान के कौन है? फोमियो किसदा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज। और ये जो मोइजू बनाना है अभी जो खून पी रहा है, चाइना के चक्कर में पड़ के अपने देश को बर्बादी कर रहा है, तो वो कौन है? आपका मालदीव का। और आपके कौन सा एक एक आपने बेंजामिन नेतन्याहू कहां के? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के। श्रीलंका के कौन है? रानिल विक्रम सिंधे। रामचंद्र पोंडेल कहां के राष्ट्रपति? नेपाल के। पुष्कमल दहल कहां के प्राइम मिनिस्ट्री? नेपाल के। सी जिनपिंग कहां का है? सी जिनपिंग कहां का है? ये चाइना का है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी ये कहां का है? जॉर्जिया मेलोनी, अरे तो हाँ, ये तो लेडी है भाई, तो ये तो छाई पड़ी है। खैर, जॉर्जिया मेलोनी कहां की है? इटली की, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिटिश पीएम कौन है यूके के? वो है ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक। और जस्टिन ट्रूडो कौन है? जस्टिन ट्रूडो जो तीन चार दिन होटल में बंद रह गया था, ये कहां का है? कनाडा का, ठीक है, क्लियर है, याद हो गए सारे। लूला डी सिल्वा कहां का है? ब्राजील का। कहां का है? ब्राजील। और आपका अब्दुल फतेह सीसी कहां के हैं? मिस्र के। अब्दुल फतेह सीसी मिस्र, इजिप्ट के, ठीक है, क्लियर हो गया बात सभी को? चलो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रिवाइज हो गए सबके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 2024? अभी तो मैंने 2023 के मिलिट्री एक्सरसाइज कराई थी ना आपको, चलो रिकॉल करो एक साथ मेरे साथ जल्दी से सारे के सारे फटाफट से। सी ड्रैगन 2024, तो सी ड्रैगन 2024 किसके बीच में हुआ है? जल्दी से बता दे, फटाफट से बताइए जल्दी से। भारत और यूएसए के बीच में। और भारत यूएसए के बीच में मैंने कौन सा बताया था अभी आपको? युद्ध अभ्यास बताया था, नहीं बताया था। और यूएसए किस में भी इंक्लूड था? जो क्वाड समिट, क्वाड देशों के बीच में हो रहा था, कौन सा? मालाबार। और मालाबार में कौन कौन से थे? जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, यूएसए था, और अपना इंडिया प्यारा भारत था, ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो सारे के सारे, एक मिनट में रिवाइज करेंगे सारे बच्चे, एक मिनट लगेगी, सारे के सारे रिवाइज करेंगे फटाफट से तेजी से बोलो सारी। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया, युद्धाभ्यास भारत अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, मालाबार क्वाड यूएसए, ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, संप्रीति बोंगो सागर बांग्लादेश, जीमेक्स भारत जापान, कॉन्क्वेस्ट ये बहुत बड़े सारे देशों का था, वरुण गरुड़ फ्रांस, एकता मालदीप, टाइगर सार बांग्लादेश अमेरिका, एक्वेरियन मालदीप, सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना का था आपस में, हिंदी अल मोहद अल हिंदी भारत सऊदी अरब, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत, मित्र शक्ति आपका श्रीलंका, सूर्य किरण भारत नेपाल, अजय आर्य भारत ब्रिटेन, कोप इंडिया भारत यूएसए, सिलनेक्स भारत श्रीलंका, आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर, सैन्यू मैत्री जापान, गार्जियन भारत जापान, दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान, साइक्लोन भारत मिस्र, वीर गार्जियन भारत जापान, और कोंकण भारत यूके। अभी मैंने रिवाइज कराया था आप लोगों को, 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऑटोमेटिक याद होते चले आएंगे यदि हम मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करेंगे तो, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? विच इज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन 2023 अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट निकाली है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा इसका सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वो है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पर पड़ता है भाई साहब? ये पड़ता है, आप लोग मुझे बताएंगे कहां पर है, ये है आप लोगों का सिंगापुर। कहां पर? सिंगापुर में। कैंपेगौड़ा भारत का सबसे बेस्ट है, ये इंडिया का नंबर 1 बना है। और ये कहां पर है आपका? बेंगलोर। बेंगलोर किसकी राजधानी? कर्नाटक की। और बेंगलोर को क्या कहते हैं? साइंस सिटी कहते हैं, या सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली भी यहां पर इसको कहते हैं, ठीक है। और यहां पर हेडक्वार्टर है किसका? 1969 में बना था, किसका? इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और यहां पर लिख लेना एक स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी बनी है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये किसकी बनी है? इसी की बनी है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की। किसकी बनी है? नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की, ठीक है।
क्लियर हो गया बात सभी को, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे भाई, इस आंसर को गलत करेंगे, ये मैं बता दे रहा हूं जानबूझ के, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से रट लेना अभी। और वो है आंसर इज, लिख लेना, प्रदूषित शहर है बर्नी हार्ट, और बर्नी हार्ट पड़ेगा आप लोगों को मेघालय में, कहां पर? मेघालय, ठीक है। ये आप लोगों को ये पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है आप लोगों का बेगूसराय, लास्ट ईयर बेगूसराय था, अब के बर्नी हार्ट हो गया, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की तीसरे नंबर पर पोजिशन है, ठीक है, ये क्लियर रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 हो गए, 7 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में मैचिंग करना है और वो भी मिसमैच बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, अब देखते हैं कौन सा। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर कहां पर है, ये बताओ मुझे, बेंगलुरु में, सही बात है, नोट कर लो सारे बच्चे। भारत का पहला ड्रोन एक्सचेंज कहां पर बना है, तो भैया ये बना है तमिलनाडु में, वेरी गुड, ये भी सही है। इसके बाद पहली हाइड्रोजन इंधन सेल बस सेवा चली है कहां पर, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली, कहां पर ये चली है, लेह लद्दाख में, वेरी गुड, ये भी आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, इसका शुभारंभ कहां हो रहा है, इसका शुभारंभ हो रहा है आप लोग लिख लेंगे आंसर, ये महाराष्ट्र नहीं है भैया, लिख लेंगे हरियाणा, और हरियाणा कब बना था, 1st of November 1966 को, ये कई बार एग्जाम में आता भी है, डेट में नोट कर लेना। मनोहर लाल खट्टर जी क्या है, हरियाणा के क्या है, चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, बताइए जल्दी से, तो टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो भाई साहब श्रव्य और दृश्य यानी ऑडियो और वीडियो क्या होगा, एक साथ दिखाई देगा, पहले आवाज आएगी बाद में विजुअल्स दिखाई देंगे, ठीक है, और दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि का प्रकाश कम वेग से चलती है, ठीक है, यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा, बताइए जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से कौन सा आंसर होगा, बताइए। टीवी का मतलब समझ लो, टीवी का मतलब वाला टीवी नहीं, डिसीज वाला नहीं, जो आपके घर में था जब कभी आप बचपन में रामायण देखते थे, नहीं देखते थे बचपन में, सीडी देखते थे, नहीं शक्तिमान आता था, नहीं आता था शक्तिमान, आर्यमान और क्या क्या आता था भाई, एक वो था यार किलकिस, एक और आता था यार सम्राट, एक जूनियर था, पता नहीं कौन कौन से थे वो पहले आते थे, ठीक है, उसके चक्कर में तो कई बार कुटाई भी हुई है, ठीक है। तो आप लोग देखते थे ये जो ना आर्यमान शक्तिमान चंद्रकांता, ठीक है, सम्राट किलमिस, पता नहीं क्या क्या आता था वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा दृश्य तुरंत बाद, दृश्य जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, दृश्य प्रारंभ परंतु श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि जो है वो प्रकाश के कम वेग से चलती है, ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका सही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो टीवी पर आप स्विच ऑन करेंगे ना टीवी पे तो लाइट एकदम आ जाती है, आवाज बाद में आती है, बस ये समझ लीजिएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। इसका कारण यह है लिखेंगे जो साउंड एनर्जी है आपकी, साउंड एनर्जी की जो स्पीड है वो कम होती है कंपैरेटिवली किसकी, लाइट एनर्जी के, क्लियर हो गया, क्लियर होगी बात, तो कोजिस भी लिख लेना आप लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। विकास कह रहा है छोटी बहू बलवीर, ये तो यार मुझे लग रहा है मैं तो देखता नहीं इन्हें, पर ये पहले जमाने के इस टाइम पे थे जब एक टीवी होता था एक मोहल्ले में, उसमें बैठ के देखते, तो रामायण आती थी शाम को, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और पीछे से घर वाले, जैसे मान लो अब बच्चे टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता था, जो पेरेंट्स थे ना, दादा दादी पिताजी, ये थोड़े खड़ूस टाइप के थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर ज्यादा टीवी के चक्कर में पड़ गए ना
तो पता चला पीछे से जो है ना लठ फिरता आ रहा है किसी के पापा आ गए, लठ फिरना स्टार्ट हो गया। और भगदड़ जो मस्ती थी ना भाई साहब, बुलेट ट्रेन भी फेल है आज की, ठीक है, दीवारें कूद कूद के भाग गए। पता चला कि फिर जो लठ फेरने आए थे किसी के पेरेंट्स आए थे, फिर आराम से वो देख रहे हैं बालक घर से बाहर, ठीक है ठीक है। यही होता था भाई कि भाई पेपर पेपरों में भी ऐसे ही होता था भाई, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से देख लेते हैं कि इस राज्य के गवर्नर के संबंध में बताना है। चलो क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। क्वेश्चन है किसी राज्य का कोई गवर्नर है उसके संबंध में हमें कुछ विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, तो इसके बारे में हमें देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे फटाफट से, और इसके बारे में गवर्नर को हम जानेंगे। अब मुझे बताइए जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बताइए, कौन से गवर्नर के आर्टिकल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फटाफट से, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ही एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सही बात है भाई। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, सही बात है भाई। उसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन देम, बिल्कुल सही बात है, क्लियर होगी बात। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं नॉर्मली, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो भाई इसमें बता दो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए मुझे फटाफट से। तो अगर हम बात करें तो आप लोग नोट कर लेना, इसमें चारों सही है भाई साहब, किसमें चारों सही है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल है आप लोगों का 153। आर्टिकल आप लोग नोट करेंगे 153 में क्या होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। इसकी थोड़ी सी कंडीशन सुन लो, मैं एक मिनट में बता देता हूं। ये सानू चौधरी 63 को बता रही है, अरे 63 में तो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है भाई, ठीक है। इस राष्ट्रपति के बारे में बता देता हूं, राज्यपाल का थोड़ा सा कहानी बता देता हूं आपको। क्या होगा, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी याद रखना। राज्यपाल केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी, नामित करेगी, अपॉइंटमेंट किसे करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नॉमिनेट कौन करेगी, लिस्ट बना के कौन देगी, केंद्र सरकार, ठीक है, क्लियर है। राज्यपाल क्या करते हैं, ये दोहरी जिम्मेदारी निभाते, कैसी कैसी दोहरी, दो तरह की ड्यूटी का काम करता है। फर्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच में ब्रिज का काम करता है, कड़ी का काम करता है, मीडिएशन मध्यस्थता का काम करता है, पहली बात। दूसरा, राज्यपाल क्या करता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, किसी भी राज्य का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में काम करता है, ठीक है, और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए भी बाध्य कर दिया भैया इसको, अब आपको पता ही होगा। इसके बाद भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष मिनिमम एज हो, लाभ के पद पर ना हो, और राज्य का विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, राज्यपाल बन सकता है। और राष्ट्रपति नॉर्मली 5 साल तक रहेगा, परंतु राष्ट्रपति जब जाए नियुक्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सत्यपाल मलिक को पहले बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गोवा, फिर मेघालय, फिर बाद में घर भेज दिया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। संविधान में ये भी याद रख लेना, राज्यपाल को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है राज्यपाल को हटाने का, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है, अरे शपथ कौन दिलाएगा, ओथ कौन दिलाएगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वो दिलवाएंगे उसी राज्य का हाई कोर्ट के कौन, या तो चीफ जस्टिस या फिर वरिष्ठ सुपीरियर जजेस उस हाई कोर्ट के इन्हें शपथ दिलवाएंगे। और इसके क्या क्या प्रिविलेज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, तो अपने पद का प्रयोग करते हुए ये किस, जब ये अपने पद पर है तो कोई भी न्यायालय इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, न्यायालय इसकी उत्तरदायी नहीं होगा, इसके लिए आप FIR वगैरह ये नहीं हो सकते। इसके साथ साथ इसके अपराधी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती इसके अगेंस्ट, ये भी आप लोग याद रख लेना। इसके आगे राज्यपाल यदि पद पर है तो गिरफ्तारी का आदेश वारंट वगैरह नहीं जारी हो सकता। और अगर करना है ऐसे मैटर में कि जो बहुत ही संवेदनशील मैटर है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी पहले, ये भी याद रखेंगे। इसकी पावर शक्तियां क्या है, इसकी पावर अगर हम देखें, कार्यपालिक शक्ति क्या क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, भैया राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, सारे काम राज्य के इसी नाम से होंगे, मुख्यमंत्री के नाम से नहीं होंगे, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, कौन, राज्यपाल, ये भी आप लोग नोट कर लेना। राज्यपाल क्या करेगा,
शपथ दिलवाता है। और क्या करेगा, नियुक्ति किसकी करता है, ये करता है राज्य के एडवोकेट जनरल की, महाअधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। राज्य का लोक सेवा आयोग है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ये। और जज राज्य के अंदर लोअर कोर्ट होती है, उनमें जजों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी राज्यपाल साहब ही करते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये मुख्यमंत्री से एडमिनिस्ट्रेशन की शासन की रिपोर्ट लेता है, और ये क्या करता है, समय समय पर केंद्र राज्य की डेटा राष्ट्रपति के साथ शेयर करता है, राष्ट्रपति को बताता है कि भैया हमारे यहाँ की ये काम हो रहा है, एक काइंड ऑफ एजेंट है, ये एजेंट है किसका, रिप्रेजेंटेटिव है राष्ट्रपति का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राज्यपाल जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उन सबका चांसलर होता है, और ये खुद उन सबका वाइस चांसलर नियुक्त करता है, कौन, राज्यपाल, नोट कर लेना भाई, क्लियर है, क्लियर है। और राज्यपाल जो आपके छह राज्य है ना, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा, उसमें एक बटे छह साथियों को ये मनोनीत करता है, चुनता है, एक बटे छह साथियों को अपॉइंट करता है, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 करते हैं, कितना, एक बटे छह, कैसे क्षेत्र से, आर्ट, कला, साइंस, सोशल वर्कर, इनसे, ठीक है। इसके लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या होती है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का अंग होता है, पार्ट होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये याद रखेंगे। ये क्या होता है, जो सेशन हो सकते हैं उन्हें डिसॉल्व कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ज्वाइंट मीटिंग बुलाएगा तो उसको बुलाएगा, उसको संबोधन करना पड़ेगा। और ये अगर हम बात करें, चुनाव आयोग के परामर्श लेगा, और यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई व्यक्ति गलत तरीके से चुन के आ गया, उसे बर्खास्त करके कहेगा घर जाइए, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, एक व्यक्ति को मनोनीत करता था आंगल समुदाय से, परंतु अब क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 2021-22 से इसको खत्म कर दिया है, अब ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल से जारी करेगा राज्यपाल, आर्टिकल 213 213 में। और इसी तरह से ऑर्डिनेंस जारी करते हैं राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 123 में, 123 में। ऑर्डिनेंस मतलब एक छह माह के लिए, एक जरूरत पड़ने पर इमीडिएट, हमें ऐसा लगता है कोई नियम बनना जरूरी है तब ये कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ राज्यपाल अगर हम बात करें तो न्यायिक कोई जुडिशियल पावर होती है इसके पास, कैसी, आर्टिकल 161 में मृत्युदंड को छोड़कर बाकी सारे दंडों को राज्यपाल क्या कर सकता है, उनका लघुकरण कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, परिहार कर सकता है, छोड़ सकता है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड और आर्मी कोर्ट की सजाओं को छोड़कर बाकी सब में कर सकता है, ये आप लोगों को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी इमरजेंसी पावर क्या होती है, यदि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या कर सकते हैं, उस राज्य का एक एज ए मुख्यमंत्री उसको प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, वो भी किसकी कंप्लेंट पे, यदि राज्यपाल प्रतिवेदन एप्लीकेशन लिख के भेजे कि राष्ट्रपति महोदय राज्य में सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही, कॉन्स्टिट्यूशनली फेलियर है, तो आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो आर्टिकल 356 के तहत यहां पर उसी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। याद हो गया, पूरा पूरा गवर्नर आपको ऐसे याद कर रहे हैं भाई साहब, कहानी कहानी में, बताइए कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे बताइए, याद हो गया सारा, सारे आर्टिकल याद हो गए, नहीं हो गए आप लोगों के, बताइए फटाफट से। बस ये 10 क्वेश्चन थे आप लोगों के, उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी आप लोगों को, इसी तरह की बहुत सारी चीजें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस में आप लोगों के साथ में रखता हूं करंट अफेयर के साथ साथ, तो इनसे आप लोगों को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। यदि